नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के समय में एक हेल्दी लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से लेकर के हवा तक प्रदूषित हो गई है, और ऊपर से कोरोना का कहर, जिसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कोरोना काल में कितने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। ऐसे में वही लोग सर्वाइव कर पाए जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा और आपको बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षित रखेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गिलोय की, जिसे शायद आप सभी लोग जानते होंगे। इसका साइंटिफिक नेम टिनोस्फोरा कोडिफोलिया है। इसे गिलोय, चक्रांगी, अमृतवल्ली, गुड़ची, छिन्नरूहा और अमृता आदि बहुत से नामों से जाना जाता है, और आप में से बहुत से लोग गिलोय के फायदे के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन शायद इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना न जानते हों। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि गिलोय को हम किस तरह से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और किन किन समस्याओं या बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है, यह भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसे सीड और कटिंग दोनों से बड़े ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसे कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान भी होता है और इसकी कटिंग आपको बड़ी ईजिली मिल भी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम गिलोय की कटिंग को ले आते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरे घर के पीछे शीशम का एक पुराना सूखा हुआ पेड़ है जिस पर गिलोय की बहुत सारी वाइन चढ़ी हुई है। ये देखिए, गिलोय के स्टेम को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह काफ़ी खुरदुरी होती है और इसकी छाल पर छोटे छोटे डॉट्स से उभरे होते हैं। आप इसको अगर टच करेंगे तो छोटे छोटे डॉट्स से उभरे होते हैं पूरी स्टेम पे। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से पहचान लें, क्योंकि इसी की तरह मिलती जुलती बहुत सारी वाइन्स आपको प्लांट्स पर दिखाई देंगी। ये देखिए, ये भी बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा कि यह गिलोय की स्टेम है, बट यह गिलोय नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गिलोय को अच्छी तरह से पहचान लें। गिलोय की लीफ बिल्कुल बीटल लीफ के शेप की होती है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पान के पत्ते की तरह ही दिखाई देती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है इसकी लीफ। तो आप इसको अच्छी तरह पहचान लें। चलिए मैं इसकी कटिंग ले लेता हूँ और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसकी मेच्योर ब्रांच से हम 3 से 4 इंच की कटिंग ले लेंगे तो ये बड़े ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए मैं 3-4 कटिंग इसमें से ले लेता हूँ और उसे हम फिर ग्रो करेंगे। तो मैंने इसे कट करके 4 कटिंग तैयार कर लिया है, और सबसे पहले हम कटिंग से लोअर लीफ को हटा लेंगे और ऊपर के 1-2 लीफ को छोड़ देंगे या बिल्कुल लीफ को हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आसपास गिलोय की कटिंग नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत लंबे समय तक सूखती नहीं है, इसलिए आप इसे बिना टेंशन के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और इसकी कटिंग की बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कटिंग को कट करने के बाद आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हमें कौन सा हिस्सा, कटिंग का कौन सा हिस्सा हमें मिट्टी के अंदर रखना है और कौन सा बाहर। तो आप इसकी कटिंग को ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी सी गांठें होती हैं जो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी होती हैं, तो ये निचला हिस्सा ही हमें मिट्टी के अंदर इंसर्ट करना है। मैंने 2 छोटे छोटे पॉट्स में पॉटमिक्स फिल कर लिया है, तो अब मैं इसे लगा लेता हूँ। वैसे गिलोय बड़ी ही आसानी से हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आप पॉटमिक्स बिल्ड ड्रेन बनाएं, क्योंकि अगर इसके रूट के आसपास लंबे समय तक पानी रुकता है तो ये प्लांट गलना शुरू हो जाता है और ख़राब हो जाता है। पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप 50% अपने गार्डन के नॉर्मल सॉइल यूज़ कर सकते हैं और 25% आप सैंड और कंपोस्ट को मिक्स कर लें तो इस कटिंग के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने चारों कटिंग को लगा लिया है, अब मैं इसमें वाटरिंग कर लेता हूँ। आपको हमेशा पॉटिंग मिक्स में हल्का सा मॉइस्चर बना करके रखना है। गर्मी के मौसम में आप पर डे वाटरिंग करें, लेकिन विंटर सीजन में और रेनी सीजन में वाटरिंग करने से पहले आप पॉट की मिट्टी को एक बार चेक कर लें। जब पॉट में टॉप लेयर की मिट्टी हल्की सी सूखी दिखे तो आप तभी वाटरिंग करें। अब हम इन पॉट्स को किसी ऐसी जहाँ पर रखेंगे जहाँ इसे ब्राइट लाइट अच्छे से मिलती रहे, और लगभग 2 से 3 हफ्ते में इसमें लीफ निकलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब वेट करते हैं इसमें लीफ निकलने का, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे कटिंग लगाए हुए करीब 1 महीने हो गए, और आप देख सकते हैं कि हमारी ये कटिंग में हल्की सी लीफ निकलना शुरू हो गई है, और दूसरी कटिंग में बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी लीफ निकल आई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी 2 कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो गई हैं, और मैंने 2 पॉट में कटिंग को लगाया था, तो मैं आपको दूसरा पॉट भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरा पॉट रहा, और इसमें 2 कटिंग मैंने लगाए हुए थे, और अभी इसमें लीफ नहीं निकली है, बट हमारी कटिंग काफ़ी हेल्दी है और इसमें रूट डेवलप हो रही है, तो बहुत ही जल्द इसमें भी लीफ निकल आएंगी। मैं आपको कुछ समय बाद इसका अपडेट दूंगा। गिलोय की कटिंग के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, यह भी ग्रो हो जाएगी,
ये आप देख सकते हैं कि इसमें रूट निकल आई है, तो बहुत ही जल्द इसमें भी लीफ निकल आएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी चारों कटिंग में लीफ निकल आई हैं और ये सभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में मैं इसे ग्राउंड में लगा दूंगा अपने नीम के पेड़ के नीचे, जिससे नीम के पेड़ पर चढ़ करके हेल्दी ग्रोथ कर सकें। अगर हो सके तो आप भी अपने गिलोय के पौधे को किसी बड़े पेड़ के पास लगाएं, जिससे यह उस पेड़ पर चढ़ के ग्रो हो सके। और सबसे अच्छा होगा कि आप इसे किसी नीम के पेड़ के पास लगाएं, क्योंकि गिलोय की वाइन जिस भी पेड़ पर चढ़कर ग्रोथ करती है उस पेड़ की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीम के पेड़ में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी नीम के पेड़ पर चढ़ाकर ग्रोथ कराएं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे नीम की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आ जाती हैं और जिससे गिलोय की मेडिसिनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि गिलोय को कटिंग से ग्रो करना कितना आसान है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के स्पेशल ट्रिप्स या ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको किसी तरह के रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम इसे किन किन समस्याओं में यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों गिलोय में इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि इसे द रूट ऑफ इमोर्टालिटी भी कहा जाता है। गिलोय स्वाद में काफ़ी कड़वा होता है। यह एक एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी अर्थराइटिस, एंटी पायरेटिक, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। गिलोय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। और दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के रिस्क को भी कम करता है। साथ ही यह एजिंग के साइन को भी रोकता है, इसीलिए अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो यह आपको बहुत लंबे समय तक जवान बनाए रख सकती है। आपके स्किन में, आपके चेहरे में ग्लो आता है और एजिंग के साइन जैसे छाइयाँ, झुर्रियाँ इनको कम करता है। गिलोय हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और यह हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है। और दोस्तों यह लीवर डिसीज में भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण यह सामान्य फीवर से लेकर के डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और टाइफाइड फीवर में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ही यूजफुल है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टीज़ होने से यह अर्थराइटिस यानी ज्वाइंट पेन में बहुत ही फायदेमंद है। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वह अगर गिलोय का सेवन लगातार करें तो यह पुराने से पुराने गठिया में जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम पहुंचाता है। दोस्तों हमें कोई भी रोग या इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो गिलोय की यह खासियत है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और हमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए आप नियमित रूप से इसका सेवन करें, इसे अपने डाइट का एक हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि गिलोय हमारी बॉडी के हर पार्ट से संबंधित समस्याओं में यूज़फुल है तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह आँखों से संबंधित समस्याओं में यूज़फुल है, यह बालों से संबंधित समस्याओं में यूज़फुल है, यह हाई बीपी, अस्थमा, जॉन्डिस, लो इम्यूनिटी, ब्लड प्योरीफाई सभी में बहुत ही यूज़फुल है। यह हमारी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। यह हमारे हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही यूज़फुल है। यह स्किन रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए इसके इतने सारे यूजेस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि इसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसे सुपर हर्ब की कैटेगरी में रखा गया है और इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। गिलोय को मुख्य रूप से 3-4 तरीकों से यूज किया जाता है, जूस के रूप में, पाउडर के रूप में और काढ़े के रूप में, या फिर गिलोय एक्सट्रैक्ट के रूप में जो हमें मार्केट में टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाता है। आप हेल्दी हैं तो भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो फिर तो आपको गिलोय का सेवन करना ही चाहिए। गिलोय की मेच्योर ब्रांच को ही इस्तेमाल में हमेशा लेना चाहिए, जिसकी मोटाई लगभग हमारी फिंगर जितनी होती है, क्योंकि पतली ब्रांच जो होती हैं, जो भी बिल्कुल न्यू ब्रांच होती हैं, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कम होती हैं, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप गिलोय की स्टेम को 1-1 इंच के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी सूखती नहीं है और अगर सूख भी जाती है तो भी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम नहीं होती है, आप तब भी इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से रख लिए हैं और इसे मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। किसी हेल्दी व्यक्ति के लिए काढ़ा बनाने के लिए 4 से 5 टुकड़े ही पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आपको कोई फीवर है, डायबिटीज़ की समस्या है या पीलिया या कोई अन्य समस्या है तो आप इसके 7 से 8 टुकड़े लेकर के उसे बारीक कूट लें या मिक्सी में पीस लें। उसके बाद लगभग 2 गिलास पानी में इसे डालकर अच्छी तरह से पकाएं, जब तक कि पानी सूख कर आधा ना रह जाए। और बुखार या अन्य किसी समस्या में आप इसमें नीम और तुलसी के कुछ ताज़े पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। पकाने के बाद जब पानी की मात्रा आधा रह जाए तो उसे आप छान लें और खाली पेट पिएं, या खाना खाने से 1 घंटे पहले उसे आप गुनगुना पिएं। यह स्वाद में काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं।
और गिलोय का जूस बनाने के लिए आप इसके ताज़े स्टेम के कटिंग को रात भर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसे बारीक पीस करके छान लें और खाली पेट पिएं। बाकी की चीज़ें आपको सेम रखनी है, आप चाहें तो इसमें भी शहद, तुलसी और नीम के पत्तों को मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको गिलोय के स्टेम को बार बार ढूंढने में मुश्किल हो रहा है तो आप इसे पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में भर करके इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए इसका पाउडर बनाने के लिए आप इसकी स्टेम को छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसे मिक्सी में अच्छी तरह बारीक पीस लें और उसके बाद उस मिक्सचर को धूप में अच्छी तरह से सूखा दें। जब मिक्सचर पूरी तरह से सूख जाए तो उसे किसी बारीक छलनी से अच्छी तरह छान लें और जो बारीक पाउडर आपको मिले उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और उसे आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आप खाली पेट या खाना खाने से एक घंटे पहले हाफ टी स्पून ताज़े पानी से इसके पाउडर को ले सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन आपको गिलोय जूस, गिलोय पाउडर, गिलोय एक्सट्रैक्ट टैबलेट और कैप्सूल सब कुछ बड़ी ही इजीली मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप इसे नेचुरल वे में अपने घर पर तैयार करें और यूज़ करें, क्योंकि घर पर बनाई गई चीज़ 100% नेचुरल और 100% प्योर होगी। तो सबसे अच्छा होगा कि आप इसे घर पर ही लगाएं इसके प्लांट को और इसे यूज़ करें। इसके अलावा भी गिलोय बहुत सी समस्याओं में हमारे लिए यूज़फुल है, इसलिए इसके विस्तृत यूजेस के बारे में हम एक वीडियो में बात नहीं कर सकते, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस बलिवल हर्ब के बारे में बता सकूं, जिससे आप जान पाएँ कि हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक हर्ब है, इसलिए अगर आप इसका असर कुछ घंटों में या कुछ बार के इस्तेमाल से देखना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है, इसलिए आप इसे अपने पर डे की लाइफ में ऐड करें। निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी समस्याएँ इस चमत्कारी हर्ब से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।